Since this lecture is in the memory of Dr. Neera Desai, so now I request Dr. Vibhuti Patel to please introduce Dr. Neera Desai to the audience. Yeah, Vibhuti, please. माननीय प्रोफेसर पाम राजपूत, डॉक्टर पुतुल साठे, डॉक्टर मीरा देसाई, प्रोफेसर नीलिमा श्रीवास्तवा, रिंकी हमारे फेलो ट्रैवलर इन द विमेंस मूवमेंट, और यहाँ आए हुए बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे कोरो संस्था से, हमारे विद्यार्थी एसएनडीटी के और शिक्षकगण, नीरा बहन के बारे में बोलना मतलब हमारे लिए तो बहुत ही शब्द कम पड़ते हैं, क्योंकि हम तो उन्हें भारतीय नारी अभ्यास की माता मानते हैं। जब कोई महिलाओं के सवाल को नहीं लेता था उस वक्त 1954 में, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन 55, तब उनकी पहली किताब आ गई थी विमेन इन मॉडर्न इंडिया, और उन्होंने ये जो रिसर्च सेंटर है, नारी अभ्यास केंद्र, हमारे देश का सबसे पहला नारी अभ्यास केंद्र हमारे देश में स्थापना की थी 1994 में। इस सेंटर को एडवांस सेंटर का भी होदा हमारी सरकार ने दिया, और वो 1924 में उनका जन्म हुआ था, और वो 2009 में गुजर गई। 84 ईयर्स की उनकी एज थी। ये जिंदगी के उनके 84 साल में उन्होंने बहुत महत्व के आयाम तय किए। वो गांधी जी ने जो बानर सेना बनाई थी उसमें भी थे। 12 साल की उम्र में वो गांधी जी देश की लड़ाई के लिए, जो भी उषा मेहता, जो जिसको हम भारत का वो जो भूगर्भ रेडियो चलाती थी, उनके साथ भी वो काम करती थी। मेरी पहचान नीरा बहन से 1972 में हुई। हम विद्यार्थी संगठन में काम करते थे, हमारी संस्था का नाम था पढ़ो और लुढ़ो, और हम हर महीने एक कोई विद्वान या विदुषी को हमारी संस्था में बुलाते थे कि आप हमें समाज के बारे में बताइए, शिक्षण व्यवस्था के बारे में बताइए, आज के युवाओं के समस्याओं के बारे में बताइए। इसी तरह से हमने नीरा बहन को बुलाया था, और नीरा बहन ने हमको बताया कि हमारी सरकार ने स्टेटस ऑफ विमेंस कमिटी, हमारे देश में औरतों की स्थिति कैसी है, ऐसी एक कमेटी बनाई है, और उसका वो लोग क्या काम कर रहे हैं, ऐसी बातें उन्होंने कही। और कहा कि हम सब समाज परिवर्तन की बात करते, देश के विकास की बात करते, लेकिन महिलाओं के विकास का क्या, कभी आपने सोचा है? हमने भी नहीं सोचा था। और उन्होंने एक दृष्टि दी कि हमें कोई भी हम सवाल ले तो उसका प्रभाव महिलाएँ और बच्चियों पर, औरत और बच्चों पर क्या पड़ेगा, वैसा हमें सोचना चाहिए। नीरा देसाई ने ये एसएनडीटी महिला विद्यापीठ 1950 के दौरान में वो जुड़ गए उसके साथ उन्होंने, और हमारे देश के महिलाओं के संबंधित जितने भी बड़े बड़े निर्णयात्मक स्थान हैं उनमें नीरा बहन हुआ करते थे। उनके ओपिनियन, वो जो लिखते थे, उनका बोलते थे, उनकी सलाह, वो उनका बहुत ही वजूद पाया जाता था। वो अपने आप को सिर्फ पांडित्यपूर्ण बोलने वाले, लर्नेड टॉक करने वाले विदुषी नहीं समझते थे, वो एक अपने आप को कार्यकर्ता समझते थे। वो हमेशा बोलते थे कि मैं नारी मुक्ति आंदोलन की एक कार्यकर्ता हूँ। और 1972 में जब से पहली जो स्त्री मुक्ति आंदोलन परिषद हो गई, तब से लेके वो गुजर गए तब तक वो नारी आंदोलन के हर एक चीज में आते थे। हमने याद है, हमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट के खिलाफ हमने सन्मुखानंद हॉल के सामने मोर्चा लगाया था, नीरा बहन भी प्लेकार्ड लेके खड़े थे। हर 8 मार्च को वो व्यवस्थित हाफ डे लेके, लीव लेके, वो मार्च हमारे पूरे पदयात्रा में चलने का, और हर 8 मार्च के हर एक जुलूस में, हर एक प्रदर्शनी में वो हाजिर रहने का। हमने जब डॉटर्स रैली की कि भाई 6 महीने की बच्ची से लेके 90 इयर्स की 90 साल की बहन, सभी बहनों का मोर्चा लगाया कि औरत भी जिंदा इंसान है, और बेटी कोई
दहेज का सामान नहीं है, बेटी को जलाने का सामान नहीं है, गर्भहत्या बंद होनी चाहिए, और हम लोग कहते थे अमी मुली सदा फुली, तो इस तरीके, तो वो मोर्चे में भी नीराबेन आए थे। मतलब कि वो हमेशा मानते थे कि अब नारी अभ्यास नारी आंदोलन के बिना अधूरा है, और नारी आंदोलन जो अभ्यास नहीं करेगा और जैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद करता रहेगा तो वो आंदोलन भी कभी आगे नहीं जाएगा। मतलब दोनों को एक दूसरे के पूरक का काम करना है, ये एक हमने सीखा उनसे। दूसरी बात कि नीराबेन ने जो 12वीं सदी में हमारे देश में जो भक्ति आंदोलन हुआ था कि जहाँ मीराबाई से लेके बहुत सारे बहनाबाई तक के 12वीं सदी से 16वीं सदी के वो भक्ति आंदोलन में ये बहनों ने किस तरह से पितृसत्ता का विरोध किया, कल के जो प्रदर्शन सम्मेलन में हमने जो बातें लाई, ये सब भी हमारी एक बहुत अच्छी विरासत है, वो विरासत को हमें आगे ले जाना है। भारत सरकार का जो सबसे पहला रिपोर्ट टूवर्ड्स इक्वालिटी समानता की ओर 1974 में बना गया, ये पहला रिपोर्ट था कि जो पार्लियामेंट में हमारे संसद में इसकी चर्चा हुई, ये बहस का जो वो जो कमेटी बनी थी वो कमेटी के वो सदस्य रहे थे, और ये रिपोर्ट आज हम देखते हैं भारत की हर एक भाषा में है, मराठी में भी है जिसे हम समानता तरफे कहते हैं, गुजराती में है, हिंदी में भी है, और वो रिपोर्ट को आगे ले जाने का काम पाम जी बताएंगे, वो खुद कर रहे हैं क्योंकि हाई पावर्ड कमेटी जो सरकार ने बनाई उसके जो चेयरपर्सन प्रोफेसर पाम राजपूत रहे हैं। दूसरा बात कि महिलाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट भी जब राजीव गांधी ये थे वड़ा प्रधान तब बनाया गया, जिसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वीमेन 1988 to 2000, उसमें भी जो एक पूरा चैप्टर है कि बहनों का माध्यम किस तरह से औरतों को हमारे जो आज के संचार माध्यम है टीवी हो रेडियो हो पेपर्स आते हैं उसमें बहनों का निरूपण कैसा आता है, वो चैप्टर नीराबेन ने कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं के वो हमदर्द भी थे, और एक जो संस्था है स्पैरो जो महिलाओं का आर्काइव्स, हमने महिलाओं ने जो इतिहास में काम किया है समाज के अलग अलग क्षेत्र में योगदान किया है उसका संग्रह करना, क्योंकि नहीं तो हमारी विरासत चली जाएगी। आप कल कितने अच्छे से गाने गा रहे थे, इतना सुंदर नाटक आपने रखा, अभी जिन्होंने देखा 200 लोग ने उनको याद रहा, लेकिन ये विरासत नाटक की आपको जो आगे ले जानी हो तो आपको संग्रह करना पड़ेगा, या तो उसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, किताब बनानी पड़ेगी। तो ये संग्रहालय जिसका नाम है स्पैरो, स्पैरो मतलब चिड़िया, तो वो स्पैरो संस्था के वो एक फाउंडर मेंबर थे, और आज दहिसर में वो संस्था का बिल्डिंग भी है, और वहाँ के जो पुस्तकालय का नाम भी है नीरा देसाई मेमोरियल लाइब्रेरी, उनकी स्मृति में वो लाइब्रेरी रखी गई है। दूसरी बात कि रिसर्च सेंटर जो बनाया, नीराबेन कहते थे कि हमारी जैसे एक मुट्ठी बनानी हो तो 5 उंगलियों को साथ आना पड़ता है, तो ये 5 उंगलियाँ क्या है, अभ्यास, शिक्षण, तालीम, डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेजीकरण करना और एक्शन, ये 5ों चीज़ हम बिना अभ्यास किए कुछ भी करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, और सिर्फ अभ्यास करते रहेंगे तो दुनिया नहीं बदलेगी, एक्शन करनी है तो ये 5ों चीज़ें लगेगी, और ये मुट्ठी साथ में आएगी तो हमारी ताकत नारी शक्ति आगे जाएगी। तो ये बात हम जब बच्चे थे तभी से नीराबेन ने हमको सिखाई थी। ऐसी ही संस्था दिल्ली में CWDS थी, उनके भी वो ये उनके साथ बहुत ही गहराई से वो जुड़े हुए थे। 1981 में इसी हॉल में पहली अखिल भारतीय नारी अभ्यास संस्था इंडियन एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडीज उसकी स्थापना हुई। नीराबेन ने पहली कॉन्फ्रेंस वो खुद ही उन्होंने यहाँ ये किया। उनके रवैये की वजह से ही हम देखते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस में सिर्फ शिक्षक या लिखने वाले वो ही नहीं आए, इसमें कार्यकर्ता आए, नारी आंदोलन के कार्यकर्ता आए, जो बहनों ने खुद अपने जीवन में दुख झेले थे वो भी उनको बोलने का प्लेटफॉर्म मिला। रिंकी जैसे जो पत्रकार है, फिल्म मेकर्स है और सरकारी अधिकारी है, हर एक को जो जो भी नारी के प्रति संवेदना रखते थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बोला ये प्लेटफॉर्म होगा इंडियन एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडीज, और आज उसकी विरासत अभी तक है कि ये एसोसिएशन होने की वजह से हमारे जो बुजुर्ग वो उनके पीछे दूसरी 2 पीढ़ियाँ आज तेरी है कि मेरी पीढ़ी भी है, पाम जी की पीढ़ी तो है, मेरी पीढ़ी है, और उसके बाद की वत्सला की या सुवर्णा की पीढ़ी भी आई है, क्योंकि हमने एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म किया है। तो ये नीराबेन की बहुत लंबी दृष्टि थी कि हमको यदि 5000 साल के पितृसत्ताक मूल्यों को मुकाबला करना है तो हमें ये इसके लिए एक बहुत बड़ी विरासत खड़ी करनी होगी, तो ये एक बहुत हमने अच्छा सीखा। दूसरी बात कि नेटवर्किंग कैसे, कोई भी मैं और आपके विचार अलग हैं तो हम दुश्मन नहीं हैं,
आप अलग उनका कहना था कि आप कोई भी प्रकार से आप नारीवाद अपने आप को कैसे भी नारीवादी कहो, अलग अलग विचारधारा से हो, लेकिन हमारे सबका मकसद एक है कि नारियों का जो दुर्दयनीय स्थान है, अन्याय अत्याचार शोषण दमन का जो राज है उसको हम दूर करना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ आना ही होगा और उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये उन्होंने छोटी, इसीलिए उनका ऐसा था कि नीराबेन के दोस्त बहुत सारे, 15 साल की मेरी बेटी भी उनकी दोस्त हुआ करती थी और उनको नीराबेन अकेले, जो लैला और लैला सब, हर कोई चाहे मुझे मिलना अकेला, ऐसा नीराबेन का होता था कि सभी लोग उनसे मिलना चाहते थे। एक जवान लड़का है कि जिसको पितृपैट्रिया की, लड़कों को भी पितृसत्ता बहुत बुरी उनके लिए भी बहुत कष्टदायक होती है, वो भी नीराबेन को मिलना चाहते थे। एक आर्टिस्ट भी उन्हें मिलना चाहता था, कार्यकर्ता, पोलिटिकल वर्कर, सबको के साथ वो अपना किस तरह से नारी अभ्यास का, नारी आंदोलन की बातें ले जाना वो नीराबेन बहुत अच्छी तरह से वो करती थी। उन्होंने जो अपनी एक विरासत किताबों की छोड़ी है, विमेन इन मॉडर्न इंडिया उनका पहला किताब था जिसके बारे में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था 1954 में मेरे जन्म से पहले कि ये तो नारीवादी किताब है, ये आई थिंक इट इज़ अ फेमिनिस्ट बुक, ऐसा उनको कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था। क्योंकि नीराबेन कहते थे सिर्फ हम सोशल वर्क करेंगे, सामाजिक कार्य या फिलान्थ्रोपी करेंगे उससे कुछ नहीं होगा, हमको आज के पितृसत्ताक मूल्य व्यवस्था बदलनी होगी और हमको हमारे हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो वो राइट बेस्ड पर्सपेक्टिव, हकों की लड़ाई में नीराबेन मानते थे, तो ये उनकी बहुत बड़ा ये था। उसके बाद तो उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी, खुद हमने जो साथ में काम किया इंडियन वीमेन संयुक्त राष्ट्र संघ में, जब 1975 को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कहा, उसके बाद 75 से 85 तक को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक का, वो दशक की जब समाप्ति हो रही थी उसके लिए जो पर्यायी वैकल्पिक रिपोर्ट बनाना था, जो सरकार ने अपना रिपोर्ट बताया जिसमें औरतें कितना अच्छा है वो बातें कही, और वैकल्पिक जो रिपोर्ट बनाया वो रिपोर्ट को भी हम साथ में बना के लेके गए थे। नीराबेन ने नारी अभ्यास के बारे में, मैंने नारी आंदोलन के बारे में बात की थी। हमारे देश में उन देश की आज़ादी के बाद जितने भी नारी अभ्यास हो गए वो नारी अभ्यास का जायज़ा लेने का काम सरकार ने नीराबेन को सौंपा कि आप बताइए कि अभी तक नारी अभ्यास के बारे में क्या हुआ है और आज अभी हमें कौन सी दिशा लेनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट जो ICSSR का बनाना था, जिसको हम स्टेटस रिपोर्ट कहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक सीमा स्तंभ उनके जीवन में रहा। नीराबेन ने ही हम सब जवान लड़कियों को जो अलग अलग शहर में रहती थी, भरूच, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, वलसाड़, वो सभी को कहा कि आप हमें एक गुजराती में, प्रादेशिक भाषा में हमको नारी अभ्यास और नारीवाद ले जाना चाहिए, और नारी मुक्ति नाम का एक त्रैमासिक शुरू किया। उन्होंने कहा पहला पैसा मैं डालूंगी और फिर हम सब्सक्रिप्शन, तो इस तरह से, और बोले हर एक जो अंक है वो अगले इश्यू में क्या आएगा वो हम साथ मिलकर तय करेंगे। मतलब कि किसी के घर में ये आठों शहर की बहनें आएगी, पूरा दिन हम रहेंगे, एक एक आर्टिकल की चर्चा करेंगे और हम ही बांट लेंगे। आपको श्रम शक्ति का ट्रांसलेशन लिखना है, आपको पितृसत्ता पे लिखना है, आपको माध्यम पे लिखना है, आपको पुस्तक का परिचय देना, इस तरह से पूरा दिन हम साथ रहते थे और ये पूरे इश्यू का, तो एक और से हमारी समझ भी बढ़ती थी, अभ्यास भी हो जाता था, और साथ साथ हम जिम्मेदारी, इस तरह से नीराबेन ने कई लोगों को लिखना करवाया। जो लोग बाथरूम में भी नहीं गाता था उनको बोलता था आपको गाना गाना है, और जो लोग कभी हाथ में पेन भी नहीं लिया था उनको बोला नहीं मैं लिख सकती हूँ तो कोई भी लिख सकता है। तो इस तरह से हौसला बढ़ाई का काम भी वो बहुत अच्छी तरह से करते थे, इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी वो यंगर जनरेशन में बहुत ही, जब वो गुजर गए तो एक साथ 16 शहरों में उनकी शोक सभा हुई थी उनको याद करते हुए। फिर वो मैसूर में कर्नाटक कन्नड़ा भाषा में भी हुई थी, तमिलनाडु में, चेन्नई में भी हुई थी मलयालम, तो जहाँ भी देश में उन्होंने, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे पाम जी की तरह 3 या 4 दिन रहते थे, वहाँ के सभी स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, विमेंस मूवमेंट के लोगों से वो लोग काम करते थे। और उन्होंने एक बहुत महत्व का एक किताब किया कि जो 100 कार्यकर्ताओं का इन डेप्थ इंटरव्यू लेके, केस स्टडीज करके उन्होंने किताब बनाई कि नारीवादी का, हम जो पर्सनल इज पॉलिटिकल, कल जो हम कह रहे थे कि हमारा निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो किस तरह से इन कार्यकर्ताओं के जीवन जुड़े हैं, उनको ये सब आंदोलन में सक्रिय रूप से काम करने के कौन सी बाधाएं आई, वो बाधाओं को उन्होंने किस तरह से उससे आगे निकल गए, ये सब बातें वो किताब में लिखी है। स्पैरो संस्था ने इंग्लिश में छापी है, मुझे लगता है आप में से कोई उसको प्रादेशिक भाषा में भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखना मिलता है। तो इसकी वजह से भी देश के सभी कार्यकर्ताओं से वो बहुत नज़दीक की तरह से जुड़ पाए।
जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जिसमें अभी मैं काम कर रही हूँ, उन्होंने तय किया कि उनको उनके जब उनकी संस्था के 50 उसको डायमंड जुबिली सेलिब्रेशन था, तो उन्होंने कहा कि हम 6 बहनों का हम बहुमान करना चाहते हैं कि जिन्होंने औरतों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, तो उनमें से एक नीराबेन भी थे और उनका भी इस तरह से ये हुआ। जिंदगी के आखिरी दिनों में उनको कैंसर का रोग हुआ था, बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन कभी भी हम उनको मिलने जाते थे वो अपनी दुख की बात नहीं करते थे, हमारे साथ कहते थे देखिए मराठी कविता कितनी सुंदर थी, मैंने उसको गुजराती किया, कैसा लग रहा है, देखना इतनी सुंदर एक कहानी आई है, तुम लोग को पढ़ना ही चाहिए, ऐसा करो फोटोकॉपी कर लो और फिर मुझे वापस दे देना, क्योंकि मैंने भी संध्या से बोरो किया। तो इस तरीके से जीवन के आखिरी दिन तक वो किस तरह से लोग ज्ञान की पिपासा, ज्ञान विज्ञान तत्वज्ञान एक और से, और मानव उष्मा, उनके घर में कभी भी कोई जाएगा, कभी भी आपको मे आई कमिन नहीं कहना पड़ता था, कोई भी वहाँ जा सकता है, सबको जब तक तो हाथ पांव चलते थे सबको, वो मेहमान नवाजी में भी बहुत ही अच्छे माने जाते थे। मेरे अंगत ये करो कि मैंने मुस्लिम से शादी की है, तो मुझे बड़ौदा छोड़ना पड़ा आज से 40 साल पहले, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे घर में आके मेरे पास रहो, और फिर यहाँ आके मुझे समझाना कि तू बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पहचान कराना, बॉम्बे के पूरे रास्तों को कैसे, कभी भी बस में मत चढ़ना, ट्रेन में ही जाना, क्योंकि ट्रेन में लिखा हुआ था कौन सा ट्रेन आगे आएगा, बस से तू गलत जगह उठ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 21 साल की लड़की के लिए। और जब मैं ही उनसे पहचान हुई तब वो प्रसिद्धि की चरम सीमा पे थे, वो देश की हर एक कमेटी, और इस तरह से समझाना, और बम्बई शहर में जो 3 महीने में तो मैं सबकी प्यारी दुलारी हो गई, क्यों, क्योंकि नीराबेन के जो संस्कार मेरे जीवन में आए थे, मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं मेरा परिवार नहीं है, मैं मेरे परिवार को आज 40 साल के बाद अमेरिका में मिली, रिटायर होने के बाद, अभी तब तक मेरा उनसे माँ बाप के सिवा किसी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे एक नया परिवार का एक एहसास कराया, और ये मुझे नहीं लगता सिर्फ उन्होंने मेरे साथ किया, तृप्ति पुल ले लो, शिराज बलसारा ले लो, जितने भी कार्यकर्ता है कभी भी वो मुसीबत में आ गए, मतलब भावनात्मक रूप से जरूरत, वो हमेशा उनके साथ रहते थे, और इस तरह से हम देखें उनके अपने व्यक्तित्व की सुवात चारों ओर इतनी अच्छी तरह फैलाई कि सिर्फ विदुषी नहीं लेकिन एक मानव उष्मा के साथ उन्होंने लोगों का दिल को जीत लिया, और आज हम इसीलिए उनके 8वीं जो पुण्यतिथि है उनको याद करते हैं। थैंक यू विभूति। And now I'll introduce the speaker today, Dr. Pam Rajput. Yesterday when we met and I asked ma'am that, ma'am, in fact, would you like to give me your CV? She said, no, just introduce me as Dr. Pam Rajput. But I think I'll just add the reason as to why we would like to listen to her. I think that's very important. Sabse pehli baat, I think for the first time, aise hua hai ke Dr. Neera Desai Memorial Lecture mein we have grassroot workers. Very frankly speaking, pehli baar hua hai, itne din tak humare yahan sirf teachers aate the, so-called academicians aate the. So for the first time, I'm really happy that hum grassroot se bhi लो, आई मीन वी हैव एक्चुअली पीपल यू नो हु आर मेकिंग अ डिफरेंस, क्योंकि आप लोग हैं जो एक्चुअली ग्रासरूट लेवल पे एट द रियल लेवल यू आर वर्किंग एंड यू आर मेकिंग अ डिफरेंस, सो आई रियली वेलकम यू। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी बहुत ही प्यारी बहन विभूति, आप इधर क्यों नहीं? नहीं नहीं मैं ऐसे हो जाऊं। ठीक, अब ठीक है, अब तो सब देख सकते हैं। और मैं डॉक्टर पुतल नहीं कहूंगी, पुतल। सबसे पहले तो मैं RCWS का और इस विश्वविद्यालय का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं बहुत शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाऊँगी, अंग्रेजी हिंदी मिक्स करूँगी तो चलेगा ना? कि मुझे आज के दिन याद, आज का दिन जो आप मेरा बहन की स्मृति में
बहुत ही खूबसूरत तरीके से विभूति जी ने नीरा बहन का एक नक्शा पूरा जीवनी के ऊपर हमारी भी बहुत प्रिय थी, वो बहुत ही प्रिय थी, बहुत काम इकट्ठे किया। वो कुछ शख्सियत ही ऐसी थी, मैं कह सकूं कि जिसके साथ भी वो बात करती उनमें अपनापन जो था वो बहुत था। आपने उनकी स्कॉलरशिप की बात की, आपने उनकी कमिटमेंट की बात की, आपने उनकी सारी जीवन की जो यथा थी उसको हमारे सामने रखा। लेकिन एक बात जो मुझे नहीं पता थी वो थी, तो तब चली जब मैंने आपका आर्टिकल ईपीडब्ल्यू में पढ़ा कि उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी हिस्सा लिया, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मेरा थोड़ा सा सिर मेरा रहता है, नई नई चीज सोचती रहती हूँ। तो मैंने एक मीटिंग की थी चंडीगढ़ में जिसमें हमने विमेन फ्रीडम फाइटर्स को बुलाया, दूर दूर से ढूंढ ढूंढ करके, गुजरात से सूरत से आगे एक गांव से एक महिला आई जिसने कस्तूरबा को पढ़ना लिखना सिखाया, वो भी आई। महाराष्ट्र से भी, बॉम्बे से भी सब एन आई, सब आए। ताई आई क्या नाम था उसका, हाँ शमत मैं तो आई, और वो कमी बड़ी बोलते थे, हाँ तो ये सब हो रहा है। तो मुझे कैसे नीरा बहन रह गई उस मीटिंग में, मुझे अब अफसोस हो रहा है कि वो भी उनको भी आना चाहिए। उसमें जो हमारे संविधान में जो औरतें जिन्होंने बनाया उनको भी हमने बुलाया, तो उषा सर नीरा बहन एक हस्ती जो जिसको देती थी अपनी स्माइल से उसको अपने। एंड लास्ट आई हैड हर इन चंडीगढ़ वाज इन 1999, मुझे अभी भी याद है कि सारी पूरी विमेन स्टडीज की फैमिली वहाँ थी, तो हर बार थी कि सारी डाउट हो रही वहाँ, और मैंने कहा नीरा बहन आप एक काम कर सकते हो, जरा अच्छे से नोट्स ले लें। एक बार भी उनके माथे में चूड़ी नहीं थी कि मुझे नोट्स लेने को कह दी, पूरा उन्होंने किया। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी शख्सियत को जब हम याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, बहुत ही कम शिक्षित हैं, और आप बहुत खुश नसीब हैं कि वो महाराष्ट्र से थी, बॉम्बे से थी, आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिला उनके साथ बिताने का। काश मैं भी महाराष्ट्र में होती और उनके साथ और अच्छा कर। और गुप्ता जी ने जब मुझे फोन किया मैं शायद इनकार करती, आप बता रहे हैं जब नीरा बहन का नाम जुड़ा हुआ था तो इनकार करने की कोई गुंजाइश, तो इसलिए आज आपके बीच में हूँ, नीरा बहन को भी याद कर रही हूँ और उस सारी चीज़ को याद कर रही हूँ कि जो हमने जर्नी कुछ साल इकट्ठे और कुछ वो अगर पहली महिला थी कि जिन्होंने यहाँ पर रिसर्च सेंटर की स्थापना की, तो हिंदुस्तान में यूजीसी की तरफ से जो पहले चार सेंटर विमेन स्टडीज के सेटअप किए गए थे तो उसमें से पहला सेंटर एक स्टार्ट करने वाली मैं थी। तो मुझे कहीं लगता है कि हमारा ये दूसरी बात मैंने इनको कहा कि मैं खुद ही अपना परिचय देती चली जाऊँ। जब हम विमेन स्टडीज की बात करते हैं, जितने स्कॉलर यहाँ बैठे हैं या हमारी बहनें को रुकी आप सुन रही हैं कि क्या है ये महिला अध्ययन जो है, उसकी जब बात आती है तो शुरू होती है टूवर्ड्स इक्वालिटी से, ठीक है। और मुझे ये अच्छा लगा कि अगर टूवर्ड्स इक्वालिटी से वो बात शुरू होती है विमेन स्टडीज, तो आकर के फिर उसी को जोड़ते हुए
तोड़ने नहीं दिया, उसी को जोड़ते हुए जब मौका मिला, सरकार ने एक बहुत हाई पावर कमेटी बनाई, जब प्रतिभा पाटिल जी प्रेसिडेंट थी, राष्ट्रपति थी, उन्होंने एक गवर्नर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उस गवर्नर्स की कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दो करी थी, मेजर एक की मैं बात करूंगी कि जो महिला का ये अध्ययन है, स्टेटस है, उसके ऊपर दोबारा से ये रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि वीना जी की रिपोर्ट आई 1974 में, उसके बाद महिला की स्थिति के ऊपर, स्टेटस के ऊपर कोई रिपोर्ट जो थी नहीं आई, तो 40 साल बीत गए। तो प्रतिभा पाटिल जी ने गवर्नर की कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि होनी चाहिए, तो फिर जो सरकार थी, उनकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, उन्होंने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और कहा कि इसको हम हाई लेवल कमेटी जो है स्टेटस ऑफ वुमेन बनाते हैं। चुनाचे कमेटी बनाई गई 2013 में और उसके चेयरपर्सन जो थी वो एक सुप्रीम कोर्ट की जज को रखा गया, रूमा पाल। रूमा पाल ने 2-1 महीने बाद छोड़ दिया क्योंकि उधर उनका झुकाव नहीं था और उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया था कि रिटायर होने के बाद मैंने कोई रिपोर्ट जो है किसी कमेटी में काम नहीं करना। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी खुशकिस्मती थी, लेकिन हाँ मुझे खुशी जरूर है कि सरकार ने उस वक्त एक विमेन स्टडीज के सेंटर के को चुना। पहले तो एक्टिविस्ट को ले लिया और जो पुरानी कमेटी थी उसकी चेयरपर्सन फूलेन गोवा थी, जो कांग्रेस की एक बहुत मिनिस्टर भी रही, उच्च कोटि की नेता थी, और उसके बाद एक मेरे जैसी अदना चीज को मैं बोलूंगी, ए हम्बल पर्सन, बट फ्रॉम विमेन स्टडीज सेंटर, दैट इज इम्पोर्टेंट टू मी, एंड आई वांट दिस विमेन स्टडीज फैमिली टू बी प्राउड ऑफ, नॉट मी एज सच, बट दैट ए पर्सन फ्रॉम विमेन स्टडीज वाज चोजन टू बी द चेयर ऑफ दिस कमेटी। तो ये कमेटी बनाई गई, कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं थी, फिर भी इस कमेटी ने बनाया रिपोर्ट जो है जैसा दिखाया, ये 3 वॉल्यूम्स में रिपोर्ट है, तो 1 वॉल्यूम है ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। इतना ही सरकार बनी, किसी ने कहा था आप इसके बारे में कुछ बताएंगे तो मैं इशारा कर रही हूँ, पर बाकी बात बताएंगे, टाइम दूसरी बातों पर लगाना है। सरकार बनी, ये कमेटी 2013 में बनी जिसकी मैंने अध्यक्षता की, सरकार बदल गई। अब यह था कि क्या ये कमेटी सरवाइव करेगी, क्या हम लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए, तो मैं रिजाइन करने के फेवर में नहीं थी। मैंने कहा हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम तो महिला का अध्ययन कर रहे हैं, हमें राजनीति से कुछ नहीं लेना, तो हम क्यों रिजाइन करें, हम कोई गवर्नर थोड़ी है कि सरकार बदलेगी तो रिजाइन कर दें, या इलेक्शन कोई ऐसे बॉडी होती है रिजाइन करती है तो सरकार हमारी तो दूसरी। दूसरा मुझे ये लगा कि जैसे 40 साल बाद ये कमेटी बनी और अगर हम रिजाइन करते हैं फिर ये कमेटी बने ना बने तो हम महिला आंदोलन को जवाब देनी होगी हमारी कि हमें ये जो एक मौका मिला हमने उस मौके का फायदा उठा करके महिलाओं की बात क्यों नहीं करी। तो ये जैसी भी रिपोर्ट है, इट मे नॉट बी एग्जैक्टली यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट टू बी के बिना मजूमदार ने क्या लिखा, उसने और हालात में लिखा, हमने और हालात में लिखा, उनका मैंडेट और था, हमारा मैंडेट और था, बट हमने रिपोर्ट की और हमने ये भी कहा कि हम मतलब पुरानी कमेटी ने 3 साल से ऊपर रही कि हम एक दिन की एक्सटेंशन नहीं लेंगे, एक दिन की, एक घंटे की तो नहीं, हमने 10 बजे कहा था 30 जून को दे देंगे तो हमने 11 बजे दी, क्योंकि जे एन यू वालों का फोटो स्टैट का खुलवा के लगे हुए हैं, हम फोटो कॉपी करके हमने 30 जून पर उनके हाथ में रिपोर्ट दे दी। इसको मैंने बाद में थोड़ा पैसा खुद की जेब से खर्च करके एडिट करवाया, लेकिन उस रिपोर्ट का इतना जरूर हुआ कि जो हमारी मंत्री महोदय थी हैं अभी भी, उन्होंने कम से कम 29 मिनिस्ट्रीज को बुला करके हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो समरी थी वो शेयर की।
और 29 को कहा कि अपने अपने आप विभाग में मिनिस्ट्री में देखें कि महिला के ऊपर इन रिकमेंडेशन को लेकर क्या कर सकते हैं। दूसरी हमारी रिकमेंडेशन थी कि नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, और नेशनल पॉलिसी सिर्फ बननी ही नहीं चाहिए वुमेन के ऊपर, क्योंकि पहली 2001 में बनी, वो कभी ऑपरेशनलाइज हुई नहीं, तो बननी चाहिए, ऑपरेशनलाइज होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, मैकेनिज्म होने चाहिए। तो कम से कम वो माने कोई ना माने, एक नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी तो तैयार हुई है, ठीक है। तो इतना श्रेय तो ये कमेटी लेती है। तो क्या करती है इस रिपोर्ट के बारे में मैं बाद में आऊंगी, पर एक संज्ञान हो, हमने दिल्ली में मीटिंग बुलाई तो उसमें मोहिनी गिरी जी आई हुई थी, उन्होंने मुझे साफ सवाल किया कि मैम ये तुम्हारी रिकमेंडेशन मानी जाएगी। मैंने कहा कमेटी का काम है रिकमेंडेशन देना, उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेवारी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन द वुमेन स्टडीज कोर्ट, कि वुमेन स्टडीज इसको रिपोर्ट को सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स को, जो महिला है चाहे वो ग्रासरूट की है चाहे वो पार्लियामेंट में बैठी है, वो महिला इस रिपोर्ट को किस तरह से गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि इसमें ये चीज अच्छी है, ये रिकमेंड अच्छी है, उसको माना जाए। तो आई एम थ्रोइंग द बॉल इन योर कोर्ट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द होल इशू ऑफ वुमेन स्टडीज टुडे, दैट हाउ डू यू एड्रेस दिस। और मैं आपको सही मायने में बाद में बातें कह रही थी पर जुड़ी हुई है, मैंने जैसे इनको कहा था मैं कोई थ्योरेटिकल डिस्कोर्स नहीं दूंगी, मैं दिल की बात करूँगी। और दिल की बात यह है, आज हम यहाँ बैठे हैं, 163 वुमेन स्टडी सेंटर्स को आप चिट्ठी डाल के व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के कर दीजिए, आपको 80% सेंटर मिलेंगे जिनको इस कमेटी के बारे में इलम ही नहीं होगा कि ऐसे होते। ये उदासी की बात है जब हम आज बात करने जा रहे हैं वुमेन स्टडीज एट द क्रॉस रोड, यही मैंने थीम रखा है अवसर का, तो उनको नहीं मालूम है। तो एक साल साल का नाम नहीं लूंगी, कॉन्फिडेंशियल है, हम नेट का पेपर सेट कर रहे थे, तो मेरी एक को जो थी उसने कहा इसके ऊपर सवाल डालते, मैं कहा मत डालो मैं यहाँ बैठी हूँ, कहती आप यू डोंट एग्जिस्ट फॉर अस, हमें तो ये देखना है कि बच्चों को भी पता है कि नहीं कि कोई कमेटी है, उस कमेटी ने क्या कहा, कौन था, कैसे है। वी वॉन्ट अवर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट इट, इट इज नॉट अबाउट यू एज पर्सन, बट आपकी उसकी बात नहीं है। तो मैं ये दावे से कहती हूँ, और बात करते हुए मैं उसके ऊपर आऊंगी। तो ये एक रीजन था कि मैंने सोचा ये पहला सेंटर इस तरह से है, मेरा पहला सेंटर उसी तरह से है। एक रिपोर्ट की वजह से वुमेन स्टडी सेंटर शुरू हुए, और ये रिपोर्ट अब आई, आपने जब याद किया तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊँ। और इससे पहले जो मैं वुमेन स्टडी था क्रॉस रोड, क्रॉस रोड का मतलब चुराहे में खड़े, किस कहाँ पे है, क्या हुआ है, किधर जाना है, ये चौराहे की बात मैं बात करूंगी, लेकिन कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। वो इसलिए कि जो पहली रिपोर्ट थी जिसका विभूति जी ने अभी जिक्र किया टूवर्ड्स इक्वालिटी समानता की ओर, उस रिपोर्ट में खास बात कही गई कि एक तो बात उससे पहले मैं और कहना चाहती हूँ उस रिपोर्ट के तहत कि जो आज मैं सारी बात कहूंगी उसका संदर्भ है हमारा डेवलपमेंट पैराडाइम। ये जो विकास का होता है फ्रेमवर्क है जिसको हम लिबरलिज्म कहते हैं, उदारवाद कहते हैं, अब इस उदारवाद में क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन की जोर, और ये प्राइवेटाइजेशन का जोर एजुकेशन में सबसे ज्यादा, और इस सारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो कट लग रहा है वो सोशल सेक्टर में कट लगा, आपके हेल्थ के ऊपर कट हो, आपके एजुकेशन के ऊपर कट हो, तो एजुकेशन के ऊपर जो आपका कट लग रहा है ये बहुत ही एक सीरियस बात है जो हमें सोचने की है, क्योंकि 2016 और 2017 अगर आप देखें हिंदुस्तान की नजर दौड़ा करके जहाँ जहाँ पर भी सेंटर हैं वहाँ पे देवर नियरली फाइव एंड से देर एक्टिविटी एंड काम टू एम ऑल,
अभी आप मार्च तक काम कीजिए, अभी आप सितंबर तक काम कीजिए, देखते हैं सोचते हैं क्या होना है। ये जो देखते हैं सोचते हैं, पहले ही लोग पैसे रखे जाते हैं टेम्पररी और छोटे छोटे थोड़े थोड़े टाइम के लिए, तो ये देखते हैं सोचते हैं, तो एक्टिविटी जो थी नियरली स्टैंड से लेकर जैसे हॉल पर आ गई। और क्योंकि आवाजें होगी देश भर से आवाजें होगी कि रहना चाहिए, टाइम्स टू इंडियन एसोसिएशन ऑफ वुमेन स्टडी को रूम्स वगैरह आए और उन्होंने आवाज उठाई। तो अभी भी हम श्योर नहीं है कि वुमेन स्टडीज का प्रोग्राम उसी तरह से चलेगा, ठीक है। वो कहते हैं कि अभी आप चालू रखिए पर हम रिव्यू करें, तो रिव्यू के बाद क्या होगा मालूम नहीं, क्योंकि मैं पहले बताना चाहती हूँ आगे कहना तो अभी कहती हूँ, कुछ साल पहले भी रिव्यू हुआ, उस रिव्यू की अभी तक आज तक हमने रिपोर्ट नहीं देखी। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जो रिपोर्ट है टुवर्ड्स इक्वालिटी समानता की बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, लेकिन उसका थ्रस्ट आज के लिए अगर मैं ले लूँ, आज के दिन के लिए संदर्भ के लिए ले लूँ, तो उसने खास बात में कही गई थी कि ये जो है इंक्रीजिंग मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कि महिला जो है आर्थिक स्थिति और सामाजिक में बारे में बिल्कुल जो है पिछड़ी हुई है, मुझे इतनी ज्यादा नहीं आती क्षमा करें, पिछड़ी हुई है। तो अगर ऐसा है तो क्या आज के दौर में वो सुधर गई है, उसको मैं एचएलसी को रेफर करूँ। ये जो हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट है जिसने देखा कि उसकी पोजीशन ज्यादा नहीं सुधरी है, उल्टा कई मामलों में और बिगड़ गई है, जैसे हम कहते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड एंड टू स्टेप्स बैकवर्ड, अगर एक कदम आगे बढ़े तो दो कदम जो है हम पीछे भी हो गए हैं। और आपको सही बताऊं, हम बहुत दिन जो थे इसके ऊपर बहस करते रहे कि इसका टाइटल क्या, और मैं अपनी पीपीटी में तो यही टाइटल देती हूँ माइल्स टू गो, पर मैं आपको सही बताऊं, यूपी में गए ना और वहां पर जाकर के एक टाइटल होम भी गए, मैं सब जगह जाते थे दूर दूर रिमोट एरिया में गए, स्थिति जानते थे, शेल्टर होम में गए, एक कमरे में 52 औरतें और बच्चे, 101 लोग, और मेरे अंकल में फोटोग्राफ भी है उसकी, एक बाथरूम था, एक टॉयलेट था, दरवाजा टूटा हुआ था, आई कैन शो यू दो पिक्चर। तो वो यूपी में काफी जगह पर जाकर के मैंने आकर के कहा अगर सही पूछो ना और मुझे अगर टाइटल बनाना हो, ये तो टूवर्ड इक्वालिटी था ना, मैं तो अपनी समानता एक शताब्दी हुआ, अभी हमें 100 साल और लगेंगे। मैं आपको बताऊं, हम बहुत अच्छी बात है, हम मॉल्स पे भी जाते हैं, हम अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी पहनते हैं, लिपस्टिक भी लगाते हैं, इम्पोर्टेड गुड भी आ गए, पर सही मायने में दूर दराज औरत की अगर आप जिंदगी देखो, दूर दराज इलाकों में जिंदगी देखो, तो हालत इतनी खस्ता है कि हमें शर्मसार, बॉम्बे इज नॉट इंडिया, चंडीगढ़ इज नॉट इंडिया, इंडिया समय so we suffer from that paradoxical situation that what kind of India is today. So इसलिए जब मैं कहती हूँ कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, थोड़े से आंकड़े दे करके मैं बता दूँ, हमारे एक हर साल जो हमारे ग्रासरूट हैं उनके लिए एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, और वो स्विट्जरलैंड की एक जगह डेवोस है जहाँ पे होता है, और एक दिन का खर्चा जो है $10,000 है वहाँ पे जाने का पार्टिसिपेट करने। तो वो एक पुस्तक निकालते हैं, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट निकालते हैं जिसको जेंडर ग्लोबल गैप इंडेक्स, महिला और पुरुष में कितना फर्क है वो बताते हैं। तो वो चार इंडिकेटर्स होते हैं, दो तीन का मैं जिक्र करूँ, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का, क्योंकि टुवर्ड्स इक्वालिटी ने कहा वो इकोनॉमिक में मार्जिनलाइजेशन है, सोशल में मार्जिनल
जनरेशन, तो मैं आपको सर बता दूं कि आज का दौर में क्या है। हालांकि हर औरत काम करती है, ऑल वुमेन वर्क, ये एग्री करते थे ऐसे, ये कहना कि औरतें काम नहीं करती, हर औरत काम करती है, लेकिन जो हमारे आंकड़े नापने का तरीका है उस हिसाब से कहां है ना। वर्ष जिसको सबसे कह सकते हैं, आज के दिन 22.3% है वो फिगर जो देते हैं उसको, गलत है, 35% से नीचे आ गई है महिलाएं। कभी इतना डिक्लाइन नहीं हुआ जितना अब डिक्लाइन हुआ है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। और अगर आप उसको देते हैं ओवरऑल जब इंडिकेटर्स लेते हैं, 144 कंट्रीज का उन्होंने हमें आंकड़े दिए, और जिस शान से हम कहते हैं 21वीं शताब्दी हमारी है, जिस शान से हम कहते हैं इस वक्त दो ही देश हैं दुनिया में, एक चाइना और एक इंडिया, जो सबसे ज्यादा विकसित देश है, लेकिन यहाँ महिला की विकसितता आती है कहाँ है, 144 में से 108 है, हम नीचे से ही सिर्फ है, भले 107 मुल्क हमारे से ऊपर है, चाइना कहीं ऊपर है हमारे से, वी आर एट 108 और पिछले साल हम 87 पे थे, और अब और नीचे करके 108 जाके सीधे 21 पॉइंट का जो है वो आया, और उसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का जो रैंक है मैं आपको बता दूं, हमारा रैंक 140 देशों में से 139वें पे है, वी आर एट 139, हमारे से 138 कंट्रीज हमारे से ऊपर जहाँ तक इकोनॉमिक है। और महिलाओं को क्या मिलता है तो पुरुषों के प्रति जो है उसमें जो है देख ओनली 6, अगर पुरुष को 100 मिलते हैं तो औरत को 60 रुपए मिलते हैं उसी काम के लिए, इतना डिफरेंस है उनकी जो पे, आपको जेंडर पैरिटी जो आ जाती है, अगर आदमी को 100 मिले उसी काम के लिए, ठीक है, औरत को 60 मिलते हैं, वही सलवार दर्जी सिलता है टेलर के पास वो पैसा और है, जो हम अपनी औरत को सिलवाते हैं उसका ये कम। और जैसा मैंने कहा हर औरत काम करती है, तो कौन सा काम है जिसको हम कहते हैं अनपेड वर्क, ये सुबह से शाम तक अनपेड वर्क करते हैं, स्टडीज वाले मैं आपको बताऊं इंक्लूडिंग मी, हम सब अनपेड वर्क करते हैं, और उसके आंकड़े हैं 66% काम जो है औरतें अनपेड, जिसका पैसा नहीं मिलता है, चाहे वो अपने घर की खेती में काम करें या अपने घर में खाने का काम करें, या घर में कोई बुजुर्ग है उसके आप प्राइवेटाइजेशन हो गया, अस्पताल बहुत महंगा हो गया, आप उसको 10 दिन की बजाय एक दिन जाके घर ले आते हो, हम घर में देख लेंगे, वो भी पे करके वर्क है, तो हर तरह का वर्क है, पानी लेने जाना है वो हमने लेने जाना, पुरुष को भी लेने जाता पानी, ठीक है, कहीं उसको पैसा उसके लिए मिलता। एम एस स्वामीनाथन जब प्लानिंग कमीशन में थे क्योंकि तो कि अगर पुरुषों को पानी सिर पर उठा करके लाना होता तो पानी की प्रॉब्लम कभी भी हल हो गई होती, ठीक है, लोगों के औरतों को तू क्या करेगी घर में, तू पानी ला, तू चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी कटी करके ला, तो आप देखिए तो पहाड़ों में जो जितना काम करती है ना फ्यूल कलेक्शन वाटर एक्सेट्रा, तो उनका काम जो है 66% है, जबकि कुछ भी करते हैं हम पेड़ उनका सिर्फ 11% दो है वो कितना है। और बात कर रही थी यहाँ पे कल कौन हेल्थ की कौन बात कर रहा है, आपकी डायरेक्टर जो वो बात कर रहे हैं, डायरेक्टर इंचार्ज जो है हेल्थ के लिए, हेल्थ में हम कहाँ हैं, वी हैव बैच, वी हैव दिस, वी हैव दिस, देयर आर बी इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स हेल्थ, वुमेन की हेल्थ में 144 देशों में से हम सिर्फ 4 ऊपर है, 141वीं पोजीशन पे, 140 देश हमारे से कहीं अच्छे हैं, हम नीचे हैं बिल्कुल बॉटम पे हैं, तो ये है। और एजुकेशन में भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये 112 तो कैसा मैं ये चाह रही कि जब वर्ड इक्वालिटी की बात आई और उन्होंने ये कहा कि ये स्थिति भी है, तो जब हम देख रहे हैं 40 बाद तो स्थिति कई जगह पे नीचे गिर गई है, और टूवर्ड्स इक्वालिटी के टाइम पे वायलेंस की बात तो हुई नहीं थी, उसमें चैप्टर ही नहीं है वायलेंस का,
ठीक है, पैट्रियार्की की बात कही तो आज के दौर में भी देख लीजिए ना, वो पैट्रियार्की डिसमेंटल हुई, ठीक है, ज्यादा और स्ट्रोंग होगी। तो हमने इसका पूरा एक नक्शा बनाया जो पीपीटी में दिखाती हूँ कि और जहाँ है वो चाहे जितने भी उसके इंस्टीट्यूशन है, चाहे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, कल्चरल इंस्टीट्यूशन हो, रिलीजियस कोई भी लीजिए, सभी के सभी उसको जो बोझ के बारे में वो जो भेल मानसिकता है वो उसको जो है कट कर रही है। तो इसलिए अगर आप कहें कि पैट्री आपकी खत्म हो गई है ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो भी हो चुकी है। हाँ, जो बात तब थी अब और ज़्यादा निकल के आ रही है, कास्ट क्लास इंटरसेक्शनैलिटी जिसको बोलते हैं ये और ज़्यादा जो है उभर करके आ रही है। जबकि हम सुनते हैं 12th 5-year plan में भी सुना, और जो 12th 5-year plan की UGC की गाइडलाइन थी वुमेन स्टडीज की, उसमें दो वर्ड यूज किए गए, एक इक्विटी का वर्ड यूज किया गया, एक इंक्लूसिवनेस का वर्ड यूज किया। हालांकि मुझे इक्विटी से ऑब्जेक्शन, ठीक है, इक्विटी इज नो वर्ड, वी वांट इक्वालिटी, सब्सटेंशियल इक्वालिटी विच इज डिफाइंड इन सीडा फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट इक्विटी। इक्विटी नैरो शब्द है, हम इक्वालिटी चाहते हैं जो सीडा ने सब्सटेंशियल इक्वालिटी होती है, और जहाँ तक मार्जिनलाइजेशन का सवाल, वल्नरेबिलिटी का सवाल है, वो सभी रात दिन रात जो है देखते हैं, उसको भी हम नहीं करते। तो ये एक बैकग्राउंड सेट करते हुए उस कमेटी ने क्या कहा, जिस कमेटी के संदर्भ में बाद में न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनी, उस न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में भी जो था जिक्र आया, एक तो चैप्टर एजुकेशन फॉर इक्वालिटी का, दूसरा हुआ कि वुमेन स्टडी सेंटर्स का न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है जो था, वो आया कि एजुकेशन को और वुमेन स्टडी सेंटर्स को एक इंटरवेंशन रोल प्ले करना चाहिए फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ये सभी बातें जो थी, और आज जो है मैं जब बात करूंगी वुमेन स्टडीज एट द क्रॉस रोड्स, वुमेन स्टडीज चौराहे पर, मैं वुमेन स्टडीज पर से की बात नहीं कर रही, क्योंकि वुमेन स्टडीज स्कॉलर्स भी हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन वुमेन स्टडीज की बात करें उसको सारे को हमने जो किताब है नरेटिव्स फ्रॉम द वुमेन स्टडीज फैमिली उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा है, और स्कॉलर्स ने भी बहुत लिखा है, उसकी बात आप नहीं करने जा रही। आज अगर मैं बात करने जा रही हूँ तो इस पर करने जा रही हूँ कि और ना ही मैं कोई तो जिससे बात क्लियर बात हो गई थी कि कोई प्रैक्टिकल रिस्पोर्स आज नहीं होगा, क्योंकि हमारी क्लास जरूरी है, लेकिन हमें हमें अंदर का कंट्रोलना है, जो कंट्रोलना है जब तो हमें देखना है इस कंट्रोलते हुए कि क्या बात है, किस सिचुएशन पे है। एक तो कभी कभी लगता है कि जब ये सारा यूनिवर्सिटी की बात करें यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक नई पैट्रियार्की उभर रही है, जो कि जैसा कि न्यूज़ पर फेमिनिस्ट पैट्रियार्की फेमिनिस्ट पैट्रियार्की इज इमर्जिंग विच इज लीडिंग टू हायरार्की, ठीक है। हम कहते थे कि फेमिनिज्म का मतलब है राइट हायरार्की खत्म करना, वुमेन्स का मूवमेंट यही है कि कदम करना, इक्वालिटी है, जस्टिस है, बट इन द प्रोसेस ऑल दीज इश्यूज वी नीड टू थिंक अबाउट व्हेन वी आर सेइंग वुमेन्स स्टडीज एट द क्रॉसरोड्स, दैट ऑल इज दैट अदर काइंड ऑफ सुप्रीमेसी सुपीरियरिटी इज इमर्जिंग व्हिच इज नॉट ट्रूली सीन इन ऑल द वुमेन्स स्टडीज। अरे चलो और मैं उनका ऑब्जर्वेशन कैसे काम करूँ नाउ वुमेन्स जहाँ से बीट बोया गया वुमेन स्टडीज का, वो सच यूनिट डिफेंड बोया गया, और एक वो सेंटर जहाँ ने सबसे पहले शुरू किया, तो मुझे लगता है यहाँ ये चिंगारी से बात उठनी चाहिए, क्या विजन थी हमारी, क्या सोच थी हमारी, कहाँ हम पहुँचे हैं, कहाँ
anybody can rule the world. Have we failed? Or has the system failed us? तो आज मैं बहुत खरी खरी जो है बात करूंगी तो जो भी उम्मीद है स्टडी से जरूर करके उसको जोड़ा नहीं पाएंगे लेकिन इंट्रोस्पेक्ट करेंगे व्हाट इज रॉन्ग विद अस माय पोजर इज हैव वी फेल्ड और हैज द सिस्टम फेल्ड और इज इट दैट इट इज टू बोथ एंड आई मस्ट से दैट वुमेन स्टडीज इज नॉट सोशल सर्विस But studies is not social service, it is academic with social purpose. ये एक vision थी जब शुरू किया गया और इस vision से हमारी जो women studies शुरू हुई वो बहनें जानती हैं कि 5 साल योजना बना करती थी ये तो आपको मालूम होगा 5 साल योजना सुना होगा आपने जब 7वें साल की योजना बन रही थी तो UGC में भी 7 5 year plan चल रहा था तो तब जो थी इसकी गाइडलाइंस की वो बात हमारे स्कॉलर भी हैं फिर महाराष्ट्र यहाँ हमें माफ कर दिया जितने अच्छे लोग आते हैं वो महाराष्ट्र से जाते पहले आई हमारे पास UGC की चेयरपर्सन माधुरी बहन ठीक है तो माधुरी बहन शाह के टाइम पर जब टुवर्ड्स इक्वालिटी आ गई टुवर्ड्स एजुकेशन आ गई तो उन्होंने कोशिश की तो पोस्ट वुमेन स्टडी सेंटर इन द UGC सिस्टम तो जब ये किया गया तो क्या आइडिया था आइडिया ये था कि ये जो एकेडमिक्स वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा शेक किया है जो एकेडमिक्स अपनी अपनी आइवरी टावर जैसे कहते हैं उसमें रहते हैं अपनी दुनिया में बना के रहते हैं बाहर क्या हो रहा है वी आर नॉट बॉदर्ड व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम व्हाट आर द नेशनल प्रॉब्लम देश की क्या समस्या देश की महिला की क्या समस्या ये जाने की जरूरत गरीबी क्या है अंडरडेवलपमेंट क्या है मैं ये कुछ उनको नहीं है अपना पढ़ाया और वो बाबा आजम के जमाने के सबके सूत्रों के लोग लिखे होते रहते उसी पे थोड़ा सा लाइफ में इम्प्रूव किया आई प्लान हो सकते चले लेकिन बाहर ना कान खुले ना आम से देखा उसको शेक करने के लिए देखा विमेन स्टडीज का उस आइवरी टावर में से उनको आइसोलेशन एलियनेशन में कैसे निकाला जाए उस कॉन्टेक्स्ट में विमेन स्टडीज का जो आवाज उसको कैसे हुआ और शुरू शुरू में विमेन स्टडी सेंटर तो बेटा आप ऐसी बात कर रहा हूँ मैं उनको ठंड लग रही है ठंड लग रही है नहीं पढ़ाइए बहुत साल पहले किसी ने मेरी स्वीडन में इंटरव्यू करी
ख्याल कैसे करते हैं। मैंने कहा भैया मैंने तो ये किताबें पढ़नी बंद कर दी, मैंने ये जर्नल्स पढ़ने बंद कर दिए हैं कि सो एंड सो सेज दिस फिर कोट करें फलाने जर्नल। मैंने कहा भाई रिलेटेड टू सोशल मीडिया, मुझे समाज में इतना मटेरियल मिलता है, चाहे वो मैं पोलिटिकल साइंस पढ़ाऊँ, ठीक है, फिर पोलिटिकल सिस्टम पढ़ाऊँ या वुमेन स्टडीज पढ़ाऊँ, आई गेट सो मच मटीरियल फ्रॉम सोशल रियलिटी एंड आई ट्राई टू थ्योराइज दैट रियलिटी टू द क्लास सो दैट दे ऑल्सो रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो व्हाट यू नो मॉडर्न फ्रॉम सेज एंड व्हाट रूसो सेज एंड दैट टॉप थिंग यू नो, उसने कोट भी कर दी कि किताब मेरी किताब जो है वो मेरा समाज है, वो समाज ही मुझे बताता है। तो खैर फिलहाल मैं पांच बात करूँगी, एक तो टीचिंग की बात ठीक है, और दूसरी रिसर्च की बात, जब आप जाएंगे फील्ड में रिसर्च करेंगे बिल्कुल डाटा करेंगे तो थोड़ा फिर डाटा आना शुरू हुआ, पहले तो कहीं आंकड़े मिलते ही नहीं थे। अभी मेरी बहन साहब बता रही थी, अभी दोपहर को बता रही थी, इसने सारे आंकड़े देश में इकट्ठे कर लिए, डॉक्टरों को तो सिर्फ पैसा बताना है, और फट से जब भी और बताती है सिजेरियन कर लो इसका सिजेरियन कर लो, तो उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए। अब आंकड़े बहुत जरूरी है, एक तो संस्कार करने के लिए, दूसरा पॉलिसी में इम्पैक्ट करने के लिए, अब का उससे एक्शन पूरा हुआ, तो ये पाँच बातें थी करना बहुत जरूरी है। मैंने रिसर्च कर ली, मैंने रिकमेंडेशन दे दी,
बुरा इसलिए कहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे आ गए वुमेन स्टडीज़ की स्टैंडिंग कमेटी में कि जिन्होंने नाम ही बदलने की कोशिश की वुमेन स्टडीज़, उन्होंने कहा इसको फैमिली स्टडीज़ कर दिया जाए। आई एम रीकाउंटिंग टुडे द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू नो वुमेन स्टडीज़ एंड बट उसका नाम चेंज कर दिया फैमिली स्टडीज़। आई ऑल्सो हैपन टू बी मेंबर ऑफ शुरू वाले सारी कमेटियों में मैं फॉर्चुनेट की मेंबर हूं। Can you imagine if you can plan a lot of things to study something to study to make you think you need to be right? Take me meeting for the meeting but I'll show you after that the other thing was 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 the other thing. They had no idea of the university system, excuse my saying, I'm being very polite. They had no idea of the study center. That's a my friend, that's my friend, what are you doing? What's going on? University system, it is for that stuff. So, chalo, mujhe aur yahan pe jo usko ka director ke liye walk kiya gaya, phir main walk kiya gaya. Aur anyway, jo regional consultation thi, usme hum gaye, ab yahan bhi hamare the, bahut achhi consultation. We are not seeing that report today, and that comes from 12 5-year plan. 12-5-year plan will be about 90 pages ki guidance, massive, theek hai? So, I have usme nahi jaungi, lekin aisa maine kaha ki sab ne uspe jo equity and inclusive, you might be good, to be question marks on that. Ek jo achhi cheez ki hai usme, ke panch year ke plan. Jab maine शुरू किया अपना वुमेन स्टडी सेंटर, हमारी ग्रांट कितनी थी साल की 53,000 रुपीज ओनली। ठीक, तो कहाँ बैठे क्या करें, 53,000 में वो पांच भी करने हैं, उनको सच भी करनी है, टीचिंग भी करनी है, कम्युनिकेशन भी करना है, डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, 53,000 सिर्फ। और मैंने अपने भाई श्याम सर को कहा हम नीचे ऐसे साइकिल से जा रहे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में अच्छे ज़माने में लोग साइकिल पे आते हैं, ठीक है, साइकिल पे आते थे, तो हमारी यूनिवर्सिटी के हर बिल्डिंग के साथ एक साइकिल खड़ी होता। तो मैंने वाइस चांसलर साहब को बोला कि सर ये साइकिल शेड वेस्ट पड़ा है, क्या हम यहाँ अपना वुमेन स्टडी सेंटर शुरू कर सकते हैं? उन्होंने कहा बराबर करो, लेकिन इसके ऊपर पैसा जो खर्चा आता है उसको चालू करने के लिए उसको अपने पास से करना। तो हमारे साथ तो सिर्फ 53,000 था, ओनली 53,000, उसमें क्या करेंगे आप? हमारे वाइस चांसलर साहब की बीवी बहुत अच्छी और दोस्त थी, तो हमने उसको बोला शीला तो उसको बेटर थी डॉक्टर, शीला तो ग्रेजुएट कमेटी में डॉक्टर थी। मैंने कहा मुझे बाबा ऐसे और सारे तो ऐसे भी थे, कहते तुम चुप करके एक्सियन के पास जाओ, उसको बोलो थोड़ी थोड़ी जहाँ से कोई बिल्डिंग बना रहा है दो चार ईंटें उठा करके। हमारा साइकिल शेड कैसा था, असली शांति नहीं देगा गर्मी, लेकिन फर्क यह था गर्मियों में गर्म हवा, सर्दियों में सर्द हवा, क्योंकि एक ईंट लगाई, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, बीच में झरोखा, ठीक है, तो वो झरोखे वाला साइकिल तो बराबर ठंडी हवा आती, बराबर गर्म हवा आती, और कभी कभी ना देखा लेकिन वो सरिये लगे रहते हैं जिसमें आप साइकिल रखते हैं। तो हम भी गए, बड़े अच्छे बड़े इंसान थे, एक्शन का कहीं का सर आप लगा नहीं कर सकते, कार्सिका उतना इतना मार दीजिए एक एक इंक लगा करके ताकि वो सांप ना आ सके, एक एक इंक लगा के तो हमने इतना इतना को देखा, जो चाहिए 3 फीट होगा वो उसे बनवा दिए फ्री में, वो फ्री में नहीं हुआ होगा, अब मुझे याद आता है बैठ के कैलकुलेटर, वो जो सरिये वो खड़े होंगे सो लोहा तो मार्केट में बिका हो, ठीक है बराबर। एनीवे तो हमने अपना सेंटर जो था साइकिल शेड से शुरू किया, इसलिए जो आप किताब पढ़ते हैं उसमें जब पहली रिव्यू कमेटी आई हमारी ब्यूटी से प्रोजेक्ट करने के लिए होती मात्र लाइट नहीं, क्योंकि साइकिल शेड में तो लाइट होती नहीं, तो वैसे ही दिन में यूज कर रहे हैं, अब हम दिन रात काम कर रहे हैं रिव्यू कमेटी को पूछ कर रहे हैं, हमने ये किया हमने वो किया। तो मैं पोलिटिकल साइंस में थी, वो मेरे साथ में थी, फिर हमने क्या किया कुंडी कनेक्शन कुंडी कनेक्शन किया, वहाँ पर लाइट लगाई और खूबसूरत अगले दिन हमारे
हमारी सैनिक की मीटिंग थी तो इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छा डील कर दिया साइकिल चैम्पियन साइकिल चैम्पियन राइट वो फोटो में ना कि एक पुरानी साइकिल चैम्पियन खींचे हुई और एक हमारे इतना खूबसूरत जगह अच्छी थी उस पर अच्छी थी तो बहुत साल वहाँ काम करते हैं तो अमेरिका से प्रोफेसर और स्टूडेंट्स आए हमारे सेंटर में जब हमने उनको काम बताया ये अनपेड वर्क जो उनको बताया और भी कर पैसा भी नहीं ले रहे उनको मिले तो मैं तुम्हें रोटी रोटी आती तो हमने उनको बताया था कि आप इसको साइकिल शेड करते हैं ये तो पावर हाउस है तो इसलिए मेरी किताब अगर आप उसका टाइटल देखो तो यही है फ्रॉम साइकिल शेड टू पावर तो 53,000 रुपया की और अगर आप 10,000 प्लान नहीं करेगा तो उसमें क्या है जो फेज है जो थर्ड फेज है एडवांस की मैं नहीं बात कर रही 63,00,000 रुपया है ठीक है जो फेज टू है मतलब 63,00,000 के अलावा 5 नॉन रिकरिंग है राइट रिकरिंग जो है 63,00,000 सेकेंड फेज को 46.5 लाख और 5 लाख और ऊपर मिलेंगे और थर्ड फेज सॉरी फर्स्ट फेज जो है उसको 31 लाख प्लस 5 नॉन रिकरिंग इतने सारे पैसे अब आप कहेंगे इतनी अच्छी ग्रांट आ रही है लेकिन मैं उसकी बाद में बात करती हूँ उस ग्रांट का आपको दिखती नहीं है खर्च क्या कर पाते हैं अभी आपके लेकिन आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप टीचिंग भी करेंगे आप रिसर्च भी करेंगे कोलैबोरेटिव रिसर्च भी करेंगे आप सेमिनार वर्कशॉप भी करेंगे स्पेशल लेक्चर मेरे जैसा भी करवाएंगे फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे एक्शन रिसर्च कराएंगे एडवोकेसी भी कराएंगे डॉक्यूमेंटेशन भी कराएंगे पब्लिकेशन भी होंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे और स्पेशल एंड इनोवेटिव एक्शन भी होगा और इम्पैक्ट कैंपेन भी होगा ये तो इम्पैक्ट की बीमारी है आ रही हूँ मैं उसको फिर आप नोडल रिसर्च सेंटर भी होंगे वो सेक्शुअल हैरासमेंट कमेटी का फिर नोडल रिसर्च सेंटर भी होंगे उस आपके दायरे में निकले हकीकत क्या है उसके बाद उसके ऊपर क्यों मैंने कहा कि हम चुराए एक तरफ हमें 63,00,000 65,00,000 60,00,000 31,00,000 तो जरूरी है आप अगर ग्रांट्स का पैटर्न देखें उस ग्रांट पे मेजॉरिटी जो है वो सैलरी के लिए पहली वाली जो थी आपकी एक्टिविटीज के लिए थी फोकस सैलरीज पे बड़ी अच्छी बात है आप हमें प्रोफेसर दे रहे हो लीडर दे रहे हो लेकिन क्या आप अपॉइंट करने दे रहे हो क्या आपकी यूनिवर्सिटी अपॉइंट करने दे रही आप अगर यही कहते रहेंगे कि हम सोचते हैं हम रिव्यू करते हैं पोजीशन का टेंपरेरी सो जब तक आप पहले परमिशन सिस्टम एज इट इज बट दैट्स व्हाई दैट वी हैव टू लुक एट टू इशू हैव वी फेल हैव द सिस्टम फेल सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिस्टम फेल ठीक है पर मोटी मोटी बातें करती हूँ ना इज दैट ओके 15 मिनट्स मैं आप जल्दी समाप्त करती हूँ तो वो जो है कि आपको कह दिया इतनी ग्राज और ये है कि भी ये दूर से देखना इसको छूना मत वो तो ना आप दे रहे हैं ना मिलते हैं आप यहाँ से चुकी यूटीसी बनी है यूटीसी को बराबर जो है सो मिसप्लेस्ड है सारी चीज़ें जो ग्रांट है वो एक्टिविटीज के लिए नहीं हम सोच रहे एक्टिविटीज के लिए सिर्फ 3,00,000 रुपये है ओनली 3,00,000 आप रिसर्च भी करेंगे आप सेमिनार भी करेंगे आप एक्शन भी करेंगे एडवोकेसी भी करेंगे सैलरी नहीं है लोगों के पास मैं भी बता रही हूँ तो आप सैलरी भी नहीं दूसरी बात जो आ जाती है उसके साथ तो क्या है जो वुमेन स्टडी सेंटर्स हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाए वी आर नॉट बीन एबल टू इंस्टीट्यूशनलाइज एक ऐसा सा आइडिया यूनिकनेस इन दिस So far, they should have been institutionalized. अभी भी हम कैंपसेस में वी आर ऑन द पेरिफेरी मजाक करेंगे हमारे जैसे सेंटर को छोड़ के उनको पता मैं बैठी हूँ तो मैं पढ़ जाऊँगी अगर कुछ ऐसा होता बोला तो जेंडर बेंडर यू नो दिस इज व्हाट दे विल कॉल
gender matter, jo hai, you are not taken seriously for that matter. And of course, the other is intuition ko chhod karke, kaise hota hai? Aapke director kaise banaye jaate hai? That's an issue. एक वाइस चांसलर आता है, उसको ये बहुत पसंद है, उसको डायरेक्टर बना दिया, वो वाइस चांसलर जाता है, उसे को बना दिया, वो विमेन स्टडीज का है या नहीं है, विमेन स्टडीज की इंक्लिनेशन है या नहीं है, विमेन स्टडीज की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, दिस इज ट्रू ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी विदाउट all trash. I'm sorry to use that word from that.
इसलिए ये जो सच की चर्चा है मैं उसको थोड़ा सा प्रक्षोभ करूँगी। ये है कि सर कोलैबोरेटिव रिसर्च का फोकस है। कोलैबोरेटिव रिसर्च कहाँ है? एक प्रोजेक्ट हुआ है हिंदुस्तान में सहमत कल्चर, ठीक है, श्रम शक्ति उसी तरह चल रही है। मैं स्टडी सेंटर की बात कर रही हूँ। एक प्रोजेक्ट कल्चर में हुआ, फॉलो अप ऑफ दैट Nobody bought bothered about that. सिर्फ ये घूमते कि हमने प्रॉब्लम जो है वो कर दिया, कुछ जो है इस तरह देखने सब छोड़िए हमारी बहन है, हमारी दूसरी बहन है, ये सब बाहर जगह एंड अगर आप जो है ये सब छोड़िए कि हमारी विमेन फार्मर जो हैं वो क्या कर रही है, अगर आज ये रिसर्च हो रही है कि कितनी वुमेन डाटा सुधार करूँ, कितनी वुमेन फार्मर्स ने सुसाइड आत्महत्या की है, तो वुमेन स्टडी सेंटर नहीं कर रहे हैं वो रिसर्च, मकान कर रहे हैं। वी मे बी कनेक्टेड दैट्स अ डिफरेंट थिंग, थोड़े आउटसाइड दैट्स रिसर्च इज कमिंग टू टीचिंग इन टू मिनट्स आई वांट टू फिनिश दैट। टीचिंग का क्या मतलब? टीचिंग का मतलब था टू और यूजीसी ने हाल ही में एक कमेटी बनाई थी कोर्सेज पर। उस कमेटी का काम सिर्फ यह था जीवन में एक्सरसाइज हुई, फिर उसके बाद करिकुलम जो है वो बनाया जाए कि पढ़ाना क्या है। वो बनाया, वो भी शेल्फ पे पढ़ा, यूजीसी की किसी अलमारी में पढ़ा, वो कभी नो कॉन्फिडेंस फ्यूचर पढ़ा। और ये था कि जो पढ़ाने वाले हैं क्या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। मैं कहीं इनको कॉल नहीं लॉ पीपल टू लुक एट योर सिलेबस, जैसे भी आर ऑलरेडी टीचिंग, वो वी आर ऑलरेडी टीचिंग। भैया आप महिला के नजरिए से पर्सपेक्टिव से क्या वो लॉ को पढ़ा रहे हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग से सारी चीज़ें जो है शॉर्ट कर रही हूँ सरकार को नजर नजर रखते हुए कि ये देखने की बातें हैं। और सबसे ज़्यादा रिसर्च भी हो गया, सबसे ज़्यादा जो है हमारा मिसिंग लिंक है जो है हुआ है। अब फिर से हम अपने कोजी एनवायरमेंट जाते चले जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सेंटर विच आर सेट अप दे डोंट हैव ओरिएंटेशन, एक्सक्यूज माई से आपके 163 में से 20-22 को छोड़ दीजिए, बाकी को ओरिएंटेशन नहीं है, खास करके जो कॉलेज में क्योंकि स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी तो वो क्या करा रहे हैं ब्यूटिशियन का कोर्स। हम तो हमको इकोनॉमिकली एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका ये नजरिया डूइंग स्पेंडिंग दैट यूजीसी मनी और टीचिंग दैम ब्यूटी पावर एंड रियली डूइंग सर्विस टू स्टूडेंट्स के लिए फॉर दैट मैटर, और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग। ये जो एडवोकेसी ट्रेनिंग पे मैं थोड़ा सा और ध्यान देना चाहती हूँ कि जैसा मैंने कहा कि एक्टिविज्म जो है वो खत्म हो गया। वैसे तो वुमेन्स मूवमेंट भी वो मूवमेंट नहीं रही जो वुमेन्स मूवमेंट पहले होती थी। एंड यू फेल्ट दी अर्ज, जैसे इन्होंने कहा मीरा बहन ऐसे लेकर बैठी रहती, वो कुछ We have also become, you know, what you can call as luxury chair women's movement. NGOization जो है वो हो गया। तो उस केस में जब वही नहीं है एंड वी वर सपोज टू बी एकेडमिक आर्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट, राइट। जब वुमेन्स मूवमेंट पहले नहीं है, हमारा एक्टिविज्म वैसे खत्म हो गया, वेयर इज दिस एकेडमिक आर्म ऑफ वुमेन्स मूवमेंट दैट इज रियली टू बी सीन। एंड आई मस्ट से सबसे बड़ा काम ये था कि आप एडवोकेसी, जब आप एडवोकेसी की बात करते हैं तो बात आती है पॉलिसी की। कितने विमेन स्टडी सेंटर्स हैं आज के दौर में जो पॉलिसी बोलती, जैसे ही बजट आता फट से एनालिसिस करके सो कितने लोग एनालिसिस करते हैं, कितने लोग उसको इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू डेटा कि हमारी फिक्र तो ये बता रही है आप ये कह रहे हैं, कितने लोग पॉलिसी को क्रिटिक करते हैं,
कितने लोग पॉलिसी में चेंज करने के लिए लॉबी करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, जब नेशनल पॉलिसी पे डिस्कशन बढ़ी, जो हमारी राष्ट्र नीति थी एजुकेशन के बारे में, और कोशिश की गई कि उसको राजनीति को थोड़ा एजुकेशन पॉलिसी को बदला जाए, तो हमें फिक्र पड़ी। हमने कहा इस कमेटी में बदलाव ला रही है कौन है, तो रामामूर्ति थे उसके, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस उषा मैम के पास, तो हम सब उषा मैम के पास वहाँ पर हमारी तैयारी की। उसी उषा मैम मुझे छोटी बहन मानती है, तो शायद हमारा दोनों का जितना ही होगा छोटी बहन का, तो उषा मैम को हमने बोला उषा मैम आप कुछ और करो या ना करो, जो न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आप अमेंड कर रहे हैं उसमें एक चैप्टर है एजुकेशन को, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, यू डू एनीथिंग विद द पॉलिसी एंड शी अश्योर्ड अस एंड दैट चैप्टर इज गुड। आज के संदर्भ में जब शिक्षा नीति के ऊपर पहले हमारी माननीय स्मृति जी उसके ऊपर काम कर रही थी, अब हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री से कर रही, कितने वीमेन स्टडी सेंटर इंक्लूडिंग हमारे ओन सेंटर में अपने लोगों को कहा भैया इसके ऊपर डिस्कशन कराओ, जो पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आ रही है उसमें क्या चीज़ें महिला के नज़रिए से परिप्रेक्ष्य से होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बात हो ना, बट नो वीमेन स्टडी सेंटर एनी वेयर इन द कंट्री has debated on the scope of education policy. That is why, you know, you have people as your director in charge of the scientist program. Poverty. कितने हम सर हैं, हम गरीबी की बात करते हैं और गरीबी मुद्दा है मेन, पर हमें ये पता है एक तरह हम क्या देते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि अगर गरीब है तो उन गरीबों में औरतें ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन कितनी औरतें गरीब हैं, क्या हमारे पास आंकड़े हैं, क्या हमारे पास मेथडोलॉजी है, whose terrain it is to come up with the methodology to see and measure poverty and tell the government you are giving us not a proper figure, ये है आंकड़े लोग बताते हैं कि इतने प्रतिशत महिला गरीब है, ये गरीबी की रेखा से और इसको मल्टी डायमेंशनल हर एंगल से पॉवर्टी को देखो, सिर्फ उसी से ना देखो। सो एनीबॉडी इज विलिंग टू जॉइन मी इन दिस प्रोजेक्ट राइट, आई विल बी हैप्पी टू वर्क बिकॉज वी आर प्लानिंग टू हैव यू नो दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑन पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 1960। तो लेट अस फ्रॉम दिस यू नो कम अप विद समथिंग गोइंग टू वांट टू कोलैबोरेट ऑन दिस। तो इसी तरह नेशनल पॉलिसी ऑफ वुमेन आ गई, ड्राफ्ट आया, ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने उस पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन अपने सेंटर में, ठीक है नहीं मैं वही कह रही हूँ, तो कितने मैं 163 की बात करी, तो आप में से कुछ ने हो गए तीन हो गए सेंटर के बोर्ड, तो जरूरी है कहने का मतलब कि जब एक पॉलिसी बनने जा रही है तो बहुत जरूरी है ओरिजिनल कंसल्टेशन हुई है उस रीजनल कंसल्टेशन में कोई क्वेश्चन आपसे मैं सवाल करती हूँ, डाटा देखिएगा काफी सालों से जब तक प्लानिंग कमीशन था वर्किंग ग्रुप्स बनते थे एनालिसिस कर लीजिए, इक्का दुक्का स्टडी सेंटर का आपको वहां पर से बिकॉज ऑफ नीति योग ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया ऑन जेंडर, आई एम इंक्लूडेड इन दैट आई डोंट नो बट आई एम देयर, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उसमें आपको बाहर के लोग मिले, यूएन के लोग मिले वुमेन स्टडीज सेंटर के बारे में, तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लोग है उदासी करती है, मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ जो है करना चाहिए इस चीज़ों के ऊपर। इसी तरह से मैं बात करती हूँ सीधा के ऊपर, हमारी सीधा ये आपके स्टूडेंट बैठे थे सीधा के बारे में सुना सीधा, तो सीधा एक हमारा हथियार है, तो रिपोर्ट सीधा की सरकार तैयार करती है, मैं वो ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट तैयार करती कितने कुछ को छोड़ के प्रेजेंट कंपनी राइट कितने लोग जो है अभी रोज हम सुनते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है
कितने लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की है। जुलाई में भारत सरकार ने रिपोर्ट ले जानी थी न्यूयॉर्क में, जिसको कहते हैं वॉलंटरी नेशनल रिपोर्ट, कहते हैं 2015 से लेकर 2017 तक ये रिपोर्ट। तो हमने कोशिश की कि मोदी जी ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, वी ट्राई टू लुक एट ऑल दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थ्रू जेंडर लेंस, चाहे वो पॉवर्टी है, चाहे हंगर है, चाहे हेल्थ का सब। तो हमने एक रिपोर्ट है, फिर कभी मौका मिला तो आपसे उसमें जो है तो करेंगे। और उसमें जो एक और बात है, दो बातें और कहकर समाप्त करने की कोशिश करती हूँ, ये जो हम बात करते रहते हैं बाहर की बात करते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी में कितना करते हैं, हाउ मेनी ऑफ अस आर रियली ट्राइंग टू एनालाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड लॉबी, कितनी भी मैंने डिसीजन ले ली रिपोर्ट अपने यूजीसी के लिए तैयार कर दी, ठीक है, हमारी मैनेजमेंट वही 10% ठीक। फिर हमारी जो चुनकी आ रही है स्पेशली स्टेट असेंबली और वुमेन पार्लियामेंट की चुनकी, पार्लियामेंट में चुनकी आ रही है, कितना वो हमारे साथ रेपो रखते हैं, हम कितना उनके साथ रखते हैं, कितना उनको हम अकाउंटेबल लगाते हैं। और अगर उन्होंने वही पॉलिटिक्स करनी है तो वह अपनी फाइटिंग फॉर के लिए 40% करते हैं, आई कैन रियली गो ऑन और फॉर दैट। आई मस्ट से कि वुमेन्स स्टडीज जो है एक यूनिक अध्ययन का माध्यम, यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि हम हिस्ट्री को फ्यूचर से जोड़ने की कोशिश, हिस्ट्री में क्या था अब क्या है फ्यूचर में क्या होना चाहिए, हम कोशिश करते हैं लोकल क्या हो रहा है, हमारी स्टेट में क्या हो रहा है, रीजन में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, ह्यूमन साइंस क्या हो रहा है। और इसका हम इम्पैक्ट सर सोशल साइंसेज में नहीं देखते, हम लाइफ साइंस में देखते हैं, बायो साइंस में देखते हैं, टेक्नोलॉजी में देखते हैं। जैसा मैं इस बार अच्छा ठक्कर के साथ कह रही थी और मैं रिपीट करती हूँ कि हमारी जो है लैब जो है, वी आर ए ट्रू साइंस, वुमेन स्टडीज इज अ ट्रू साइंस, असली में ये साइंस का मजमून है, साइंस आप समझती हैं ना, साइंस का मजमून है। कैसे, हमारी लैब जो है वो क्लासरूम नहीं है, हमारी लैब जो है समाज है, सोसाइटी इज अवर लैब, एंड इट इज लेट अस कीप दैट इज द वी आर रियल साइंस, वी कैन रियली यू नो change if we really work with. So let us friends, I know that we have failed and this is system has failed at present. But that is a challenge for us. जब आँखों को चुनौती दी जाती है उस चुनौती में बड़ा कर निकल के आती है, लेकिन चुनौती को पूरा करते करते हम अपनी लॉबिंग जो है ह्यूमन स्टडीज को जितने थे यूनिवर्सिटी आउटसाइड यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे ग्रांट जो रखा जाए होती है वो विषय पे बोलना, और वो सातवीं आठवीं नौवीं की लड़कियां को मालूम होता है कि किस तरह
को लगता है एक नया स्पिरिट हम देख रहे हैं। ये जब बाल विवाह का सवाल आता है तो 10 साल के अंदर 100 में से 45 लड़कियों का बाल विवाह होता था, 22 लड़कियां हो रहा है, और वो सिर्फ सरकार की वजह से नहीं लेकिन लड़कियां खुद ये हो गए। मलाला जैसी लड़कियां हमारे देश में भी बहुत बड़े पैमाने में, और यही हमारा भविष्य है। मुझे एक तरह से लगता है कि भविष्य काफी उज्जवल है, और नारी अभ्यास का जो सवाल है आज सिर्फ सेंटर तक सीमित नहीं रहे, हर एक जहाँ भी हम पढ़ाते हैं वहाँ नारी का सवाल आता है क्लासरूम में। फिर आप समाजशास्त्र पढ़ाते हो, राज्यशास्त्र पढ़ाते हो, भाषाएं पढ़ाते हो, वहाँ पे इंटीग्रेशन जिसको मुख्य प्रवाह से जुड़ना ये भी हो चुका है। और मैं आखिर में जो लेकिन उन्होंने जो हमको रेड सिग्नल बताया, जहाँ जहाँ लाल बत्ती बिताई है वो उस पर ध्यान रखना जरूरी ही है। एक और से जिसको सिर्फ परदेसी और यूरोप और अमेरिका के विचार विचारवंतों के बारे में नारी अभ्यास करना है वो भी करता होता रहेगा, दूसरी ओर से हमें जमीन से जुड़ के जितने भी जो संग्रह, और आज ये उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा कहा कि आज जो सच्ची सही दिशा में जो गंभीर प्रकार का जो संशोधन हो रहा है वो संग्रह करें। आप पूरा बलात्कार के बारे में प्रोटोकॉल का सब आज सेहत ने किया, या मजलिस का जो कानून के बारे में जो काम है, लॉयर्स कलेक्टिव का काम है, गोरों का जो राइट टू बी का काम है, ऐसे रिसर्च है, ऐसे प्रकार के संशोधन यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे हैं और ट्रांसमिटेड हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा उन्होंने लगाया। और आखिर में जो मीरा बेन का बहुत ही पसंदीदा जो गाना था वो मैं आपको बता के कहूँगी, आओ मेहनती बहने आओ और लाखों बहने आओ, रुको नहीं झुको नहीं, रुको नहीं झुको नहीं, कदम कदम से बढ़ते 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 चले आओ, औरत का नारा दे इशारा, रंज हमारा मिटेगा, नारी एकता लड़ी लड़ाई, न्यायी राज बनेगा, रुक न जाना कभी न रोना कभी न पीछे आओ, कदम कदम से बढ़ते 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 चले आओ। एक आसमान एक दुनिया, खून का भी रंग है एक, गाँव और शहरों से आई नारियां हो गए एक, उसके बाद का जो लास्ट, हाँ, रुक न जाना कभी न रोना कभी न पीछे आओ, कदम कदम से बढ़ते 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 चले आओ, मेहनती बहने आओ और लाखों बहने आओ, वह पर्ची जिसपे लिखा था सुनो, मैं सुनती रही
उसने सुना आदेश, मैं सुनती रही, उसने सुना आदेश, उसने सुने उपदेश, बंदिशें उसके लिए थी, उसके लिए थी वंदनाएं, मैं जानती थी कहना सुनना नहीं है केवल क्रिया। राजा ने कहा जहर पियो, वो मीरा हो गई। ऋषि ने कहा पत्थर बनो, वो अहल्या हो गई। प्रभु ने कहा निकल जाओ, वो सीता हो गई। चिता से निकली चीख किन्हीं कानों ने नहीं सुनी, वह सती हो गई। घुटती रही उसकी फरियाद, अटके रहे शब्द, घुटती रही उसकी फरियाद, अटके रहे शब्द, सिल रहे होंठ, रुदा रहा गला उसके हाथ में, कभी नहीं लगी वो पर्ची, उसके हाथ में कभी नहीं लगी वो पर्ची जिस पर लिखा था काव्य। What is women's studies do? To orient our students to say, कहो, बात हुआ सुनना, अब कहो। Thank everybody, and I think we now end the program. There is some tea and snacks waiting outside.